पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद महंगाई का दौर फिर से शुरू हो चुका है। आज फिर से सातवें दिन पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल के दाम में 30 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ, तो डीजल की बात की जाए 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। अब दिल्ली की बात करें तो 99 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल के दाम और डीजल 90 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर जा पहुंचे हैं। हर रोज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। देखिए आप प्राइस हाँ कितना था, अभी पेट्रोल का दाम 95 था, अभी 99 100 100 पहुँचने वाला है, तो इसलिए पब्लिक को बहुत परेशानी हो रहा है। और जनता को सरकार को ये सोचना चाहिए कि पेट्रोल का दाम कम करे, डीजल पेट्रोल का दाम, तभी हर चीज़ सस्ता हो जाएगा। अभी तो बहुत महंगा चल रहा है, अब आने वाले दिन में तो और क्या होगा, हमारे बीवी बच्चे जो आने वाले जनरेशन में और कैसे जियेंगे वो लोग। अब इसमें सोचना चाहिए सरकार को कि और कम करो पेट्रोल का दाम। ऑब्वियसली यही है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अगर वो एक तरफ से अगर बढ़ा रहे हैं, अगर इस तरफ से दाम बढ़ा रहे हैं, तो वो कंपनीज की तरफ भी देखें ना, प्राइवेट सेक्टर की तरफ देखें कि भाई प्राइवेट सेक्टर वाले बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे। अब आदमी की सोर्स ऑफ इनकम उतनी है, तो आदमी की सोर्स ऑफ इनकम उतनी ही है और महंगाई बढ़ती जा रही है, ये बात लोगों का कहना है। आपने सुना, दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। स्पर्श, दिल्ली की अगर बात की जाए तो पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आमजन का परेशान होना भी लाजमी है। देखिए बिल्कुल महिमा, पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आज भी अगर हम बात करते हैं तो 30 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल में बढ़ोतरी हुई है और 35 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से जो डीजल है उसमें बढ़ोतरी होती हुई नजर आई। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं पेट्रोल पंप की। अब लोग जो है ज्यादा पेट्रोल जो है डलवाने नहीं आ रहे, खाली जो है एक तरीके से पेट्रोल पंप कहीं ना कहीं देखने को नजर आ रहा है। पिछले 7 दिन की बात करें तो 6 बार जो है पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो है बढ़ोतरी होती हुई नजर आई। इसी के साथ में दिल्ली में जो 1 लीटर पेट्रोल है वो 99 रुपए 41 पैसे जो है पहुंचता हुआ जो है नजर आ रहा, यानी 100 रुपए के आसपास जो है पेट्रोल की कीमत पहुंच गई। डीजल की बात करें तो 90 रुपए 77 पैसे जो पेट्रोल है वो कहीं ना कहीं जो है पहुंचता हुआ जो है नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि 22 मार्च से जो पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो कहीं ना कहीं जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है, यानी जब चुनाव खत्म हुए थे तो उसके बाद से जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस पर किस तरीके से रोक लगेगी इसको लेकर कोई रोड मैप जो है निकल कर सामने नहीं आता है, सरकार की तरफ से जवाब नहीं दिया जाता है। हालांकि विपक्ष लगातार सवाल पूछने की जो कोशिशें हैं वो केंद्र सरकार से जो है करता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से 31 तारीख से जो पेट्रोल डीजल और एलपीजी सिलेंडर की महंगाई है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी जो है किया जाएगा, लेकिन अभी तक जमीनी स्तर पर भी बात की जाए तो विपक्ष कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिला। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि सरकार की बात करें तो सरकार कहती है कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो तेल कंपनियां तय करती हुई नजर आती है, और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जिस तरीके से ऊपर नीचे दाम जो है जाते हुए जब पेट्रोल और डीजल के क्रूड ऑयल के नजर आते हैं तो दाम जो है भारत में कहीं ना कहीं जो है बढ़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब दाम नीचे जाते हैं तो उसका फायदा जो है आम आदमी को मिलता हुआ नजर नहीं आते। तो ऐसे में बात करें तो पिछले 7 दिन में 6 बार लगभग जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया है। बिल्कुल आपने सही कहा, और पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए भी अपने तमाम दर्शकों को हम जानकारी दे रहे हैं, आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए स्पर्श शर्मा। तो पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी होने से जनता पर महंगाई की मार पड़ी है, इसी को लेकर गुरुग्राम से हमारे संवाददाता विजेंद्र कुमार ने लोगों से बातचीत की। डीजल पेट्रोल के दामों में फिर एक बार बढ़ोतरी हुई है, निरंतर कई दिनों से लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे में महंगाई सातवें आसमान पर है, आम आदमी का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। फिर बढ़ा दिए, मगर इनको सरकार को तो सोचना चाहिए नहीं, गरीब आदमी तो आम आदमी पे जा रहा है, प्रभाव पड़ता है। बड़े आदमी तो मान लो गाड़ी चल रहे हैं जो लीटर खा रही है, 10-10 जो 80 किलोमीटर चल रहे हैं वो कहाँ चल पाएंगे, वो तो रख ही देंगे। हर तीसरे दिन दाम बढ़ते रहते हैं पेट्रोल और डीजल के, जब तक चुनाव होते हैं उस टाइम तो कुछ नहीं बढ़ता, चुनाव के बाद ही बढ़ा दिए जाते हैं। और आज इस महंगाई में आदमी क्या करेगा, नहीं रोजगार है, 10-15 हज़ार रुपये कमाता है आदमी, वो अपना घर कैसे चलाएगा। तो कितनी दिक्कत आ रही है, फल सब्जियां सब चीज़ महंगी हो गई है। काफ़ी दिक्कत आ रही है जी, देखा जाए तो आम आदमी कहाँ पे फल खा पाता है, वो 2 वक्त की रोटी खा ले वही बहुत है। क्या कहना चाहोगे सरकार से? सरकार ये है महंगाई कम करे और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पे फोकस। वो नाम बता दीजिए। रण सिंह। रोज डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कैसे गुजारा हो रहा है? गुजारा ऐसे हो रहा है, अपना
जैसे जैसे अभी कर रहे हैं और अपना मजदूरी सजदूरी है नहीं कुछ, और पेट्रोल के दाम बढ़ने के कारण हमारी रोजी रोजगार का बड़ा भार भूर जाने के लिए दिक्कत आ रही है। फल सब्जियां महंगी होगी, क्या महंगी होगी हैं, इनको लेने के लिए हम कई बार वैसे खाना खुना बनाकर अपना खा लेते हैं और सब्जी लेने की हिम्मत नहीं पड़ती है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी जरूर है, और ऐसे में जो आम लोग हैं उनका यही कहना है कि डीजल पेट्रोल के अगर दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं महंगाई की मार उनको झेलनी पड़ रही है। गुरुग्राम से जनता टीवी के लिए विजेंद्र कुमार। तो गुरुग्राम के लोगों का क्या कहना है आपने सुना, और इसी को लेकर बल्लभगढ़ से भी हमारे संवाददाता अमित चौधरी ने लोगों से बातचीत की। रसोई गैस के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रहे इजाफे से बढ़ती महंगाई ने विपक्ष को तो मुद्दा दे ही दिया है, कहीं ना कहीं आम जनता का इस गर्मी के शुरुआती मौसम में भी पसीना छुड़ा दिया है। इसी बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर एक बार फिर जनता टीवी पहुंचा है जनता के बीच। आइए जानते हैं जनता की राय। लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल पे फर्क पड़ रहा है, गैस सिलेंडर महंगे हो गए हैं, क्या कहेंगे? सर देखिए, वैसे तो आम जनता पे बिल्कुल त्रस्त है महंगाई की वजह से, डे बाई डे महंगाई बढ़ती जा रही है। बट हम भी एक्चुअली जो एजुकेटेड पर्सन है वो समझते हैं कि ये सरकार कुछ तो मतलब कंट्रोल करने चाहिए, बट कुछ बाहरी कारण भी हैं, जैसे आज क्रूड ऑयल बढ़ रहा है उसकी वजह से भी थोड़ा सा महंगाई और ये डीजल पेट्रोल के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। बट सरकार को एटलीस्ट सोचना चाहिए कि आम आदमी जो एक मीडियम वर्गीय मध्यम वर्गीय है उसको उसकी जेब पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, तो इसको कंट्रोल करना चाहिए सर। तो बिल्कुल साफ तौर पर कह रहे हैं कहीं ना कहीं इन बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दामों को सरकार को कंट्रोल जरूर करना चाहिए। आप क्या कहेंगे जी, पेट्रोल के दाम फिर बढ़े हैं? अरे पैसे ही ना रहे भाई, पैसे ही ना रहे तेल डलाने के लिए, दूसरे पड़ोसियों से मांगने पड़ रहे हैं, क्योंकि सैलरी इतनी मिलती है तो वो वैसे ही खर्चे में ख़त्म हो जाती है। हम तो ये सोच रहे हैं कि गाड़ी को खड़ी कर दें और फिर पैदल ड्यूटी करें। तो गर्मी में पसीना छूट रहा है? पसीना क्यों नहीं छूट रहा, पूरा पसीना छूट रहा है भाई, चलने में भी तो दम निकलता है, इतनी गर्मी पड़ रही है। हैं, खाना खाएं या फिर गाड़ी चलाएं, क्या क्या करें बताओ? रसोई का बजट बिगड़ रहा है, सारा बिगड़ा पड़ा है जी, कुछ भी नहीं हो रहा है। आटा से डाटा तक, सीमेंट सरिया दवाई पेट्रोल डीजल रसोई गैस फल सब्जी जमीन बस ऑटो किराया स्कूल फीस दूध घी तेल सब महंगा होता जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम पड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक आम आदमी का बजट लगातार बिगड़ता जा रहा है। लग रहा है कि इस बार गर्मी के रिकॉर्ड से पहले ही महंगाई का रिकॉर्ड टूट जाएगा। अगर आज की बात करें तो गर्मी से ज़्यादा बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी का पसीना निकाल दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि आम जनता के इसी परेशानी को देखते हुए सरकारें कब तक इस बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल के दामों पर लगाम लगा पाती है, यह देखने वाली बात होगी। जनता टीवी के साथ अमित चौधरी, बल्लभगढ़।